इस मॉड्यूल में हम आर्थ्रोपोड्स के सब फाइलम हेक्सोपोड्स में इंसेक्ट डेवलपमेंट के मुख्तलिफ़ पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे इंसेक्ट के अगर डेवलपमेंट पैटर्न हम देखें तो इसमें एवोल्यूशन ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है एवोल्यूशन के थ्रू ही हम देखेंगे कि किस तरह से इमेच्योर इंसेक्ट्स में और अडल्ट बॉडी फॉर्म्स में उनकी हैबिट्स में किस तरह से मुख्तलिफ इंसेक्ट्स में और उनके ऑर्डर्स में क्या डाइवर्जेंस है इंसेक्ट्स के नॉर्मली हम टू मेन ऑर्डर लेते हैं टेरीगोटा एंड ए टेरीगोटा ए टेरीगोटा होंगे इंसेक्ट्स विच आर विदाउट विंग्स टेरीगोटा होंगे इंसेक्ट्स दैट आर विद विंग्स अब इसका सुपर ऑर्डर जो कि एंडो एंडोटेरीगोटा है इसके अंदर जो इमेच्योर स्टेजेस होंगी उनको हम कहेंगे लार्वल इन स्टार्स अब लार्वल इन स्टार्स जो हैं एक इंसेक्ट के अंदर एक इन स्टार भी हो सकता है सेकंड इन स्टार भी आ सकता है थर्ड इन स्टार भी आ सकता है अब ये इन स्टार जो है ये एक इमेच्योर फॉर्म है इसने ग्रो करना है इसने ग्रो करते हुए अडल्ट बॉडी स्टेज तक आना है जब इसने ग्रो करना है तो ग्रोथ के लिए इसको क्या रिक्वायर्ड होता है नॉर्मली इट रिक्वायर्स फूड और फूड जो है वो रिज़र्व की शक्ल में मौजूद होता है जो कि ये इंस्टार लेगा एंड टिल द टाइम इट रीचेज टू द अडल्ट हुएज इट कंज्यूम्स द फूड दैट इज़ यूजअली रिजर्वड अब जो अडल्ट एज है इसकी अडल्ट स्टेज नॉर्मली दिस इज एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल अब इन ऑर्डर्स में इंसेक्ट जो हैं ज़्यादातर अपना टाइम या अपनी लाइफ का ज़्यादातर पार्ट जो है दे स्पेयर इन देयर जुवीनाइल फॉर्म जुवीनाइल फॉर्म का मतलब है इम स्टेज में अपना स्पेंड करेंगे और उसके बाद अडल्ट स्टेज में ये अपना बहुत कम टाइम स्पेंड करेंगे अब डेवलपमेंटल पैटर्न जो कि इंसेक्ट्स के, के मुख्तलिफ ग्रुप में मुख्तलिफ हैं ये इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि वट इज़ द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन द इमेचर एंड द अडल्ट और नॉर्मली इसको हम थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं अब वो जो चेंजेस हमने बात की एग से लेके अडल्ट तक बॉडी फॉर्म में आएंगी उन चेंजेस को हम कहेंगे मेटामोरफोसिस ये चेंजेस एग से स्टार्ट होती हैं और अडल्ट तक आएंगी मेटामोरफोसिस भी टू टाइप्स के होंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस कंप्लीट मेटामोफोसिस में फोर स्टेजेस आएंगे एग लार्वा प्यूपा एंड अडल्ट जबकि इनकम्प्लीट मेटामॉरफोसिस जो है इसके अंदर थ्री स्टेजेस होंगी एग नीव और अडल्ट इस इंसेक्ट डेवलपमेंट के पैटर्न को इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दीज आर टू स्टेजेस ऑफ द मेटामॉर्फोसिस सिंपल मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसमें ऑल दिस फोर स्टेजेस। दिस इज द हाउस फ्लाई एंड दिस इज द बीटल their life cycle your development starts from the egg stage from the egg then there are immature stages these immature stages will be called nymphs or they be called first in star, second in star, third in star. These nymphs are usually their body form is similar to that of the adult but they are smaller in size they will consume food and then their size will increase and ultimately adult bug is usually found this is the egg and this is the complete metamorphosis and the typical example of this is the adult housefly it is also having four stages egg early larva full sized larva pupa and adult Early larva and full-sized larva—they also differ in their size, but pupa stage that is different from that of the larva. So nymphs and larva—they are different from each other. Larva is not of the shape as that of the adult is, but nymph is of the same shape as that of the adult insect, but its body size is different. So, insect development pattern we normally divide them. Uh, the process, all this series of changes takes place from the egg till the formation of adult. These are called metamorphoses, and this metamorphosis we have explained this in two forms: complete metamorphosis and incomplete metamorphosis.